पता है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं क्रोमो ब्राउजर से, दोस्तों जब हम वीडियो अपलोड करते हैं क्रोमो ब्राउजर से, आपको मालूम होगा तो वहाँ पे एक सिस्टम दिया जाता है, जैसे कि ऐड कॉप्शन का। कॉप्शन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऐसे यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो चढ़ा हुआ है, आप देखे होंगे समझे होंगे। तो मैं दोस्तों इसी पर वीडियो बना रहा हूँ, आज बताऊँगा आप लोगों की कॉप्शन का मतलब क्या है, उसको सेट करना चाहिए या ना करना चाहिए। आप अगर इंडिया से है वो भी बताऊँगा, अगर अदरवाइज इंडिया के बाहर से है वो भी बताऊँगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। अगर आप भूल से भी सेटिंग करते हो तो आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी आज हम लोग समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है, आप देखना क्रिएटर पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलो वीडियो को चालू कर दो, आप लोगों को बताता हूँ कि कॉप्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग को सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया से है तो सेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर इंडिया के बाहर से आप वीडियो बना रहे तो सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। चलो वीडियो को चालू कर दो। सबसे पहले आप, मैं अपना मोबाइल ले लूँगा, ये मेरा मोबाइल है, सबसे पहले अपना मोबाइल ले लूँगा। मोबाइल लेने के बाद आप दोस्तों इस मोबाइल में बताऊँगा कि ऐड कॉप्शन का मतलब क्या होता है। जब आप वीडियो अपलोड करते हो वहाँ पर सिस्टम दिया जाता है कि ऐड कॉप्शन आपको सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना मोबाइल लूँगा, लेने के बाद जिस तरह से आप वीडियो अपलोड करते हो उसी तरह से, जिस तरह से आप वीडियो अपलोड करते हैं क्रोमो ब्राउजर से, जब क्रोमो ब्राउजर से अपलोड करते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट सब कुछ डाल देते, थंबनेल भी लगा सकते हो वहाँ से, तो उसी समय यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई देता है वीडियो लैंग्वेज टेक्स्ट एंड टाइटल लैंग्वेज डेट और वीडियो लोकेशन, ये सब तो आप डाल देते हो, जहाँ का वीडियो लोकेशन वो डाल देते हो, वीडियो लैंग्वेज डाल सकते हो। और इसमें एक सिस्टम दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कॉप्शन वो सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आप, यहाँ पे ये है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको सेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलो बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग अगर चालू करते हैं, इसको हम लोग चालू करते हैं, यहाँ पर पांच सिस्टम दिया जाता है दोस्तों। जैसे चालू करने के बाद यहाँ पर पांच सिस्टम दिया जाता है, जो कि अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप इंडिया में वीडियो बनाते हैं तो ये आपको सेव नहीं करना है। अगर अदरवाइज कंट्री इंडिया से बाहर से बनाते जैसे यूएस, यहाँ पर सिस्टम पांच दिया हुआ है, यूएस ही पाँचों सिस्टम यूएस से है। अगर यूएस से आप वीडियो बनाते हैं तो आपको सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिया से बनाते तो छोड़ सकते। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, पहला कॉन्टैक्ट दिया है दोस्तों, दिस कॉन्टैक्ट हैज नेवर एयर्ड द टेलीविजन द यूएस, क्या टेलीविजन पर प्रचार कर सकते हैं या नहीं, नहीं कर सकते अगर इंडिया से सेट नहीं कर सकते हैं। दिस कंटेंट ओनली रेड द टेलीविजन यूएस यूज आउट कॉप्शन, ये बोल रहा है दिस कंटेंट हैज ओनली रेड ऑन टेलीविजन दिस यूएस यूज ऑप्शन, क्या यूएस से आप वीडियो बना रहे हैं नहीं, अगर इंडिया से बना रहे तो नहीं दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दिस कंटेंट हैज बीन नॉट रेड यूएस टेलीविजन विथ ऑप्शन सेंट सितंबर 30, 2012 और पुराना है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर और एक दोस्तों है, जैसे कि यहाँ पे दिस कंटेंट डोज नॉट फेल विथिन द कैटेगरी और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑप्शन, चौथा दोस्तों बोल रहा है दिस कंटेंट डोज नॉट फेल रिलेटेड द कैटेगरी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग द रिक्वायर्स ऑप्शन, दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर आप इस कैटेगरी का प्रोग्रामिंग अच्छी है, अगर यूएस से तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तीसरा पांचवा दे रहा है दोस्तों, दिस एफएफसी एंड यूएस कंसर्न द ग्रांटेड एक्सपेंशन फ्रॉम कन्वेंशन रिक्वायरमेंट, दोस्तों अगर आप
सेट करना चाहते हैं तो भूल जाइए, सेट मत कीजिए। अगर इंडिया से हैं तो नहीं कीजिएगा तो फिर भी अच्छा है, इसको नन ई पी रहने दीजिएगा तो पूरी इंडिया में चलेगा आपका वीडियो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया से बाहर से तब सेव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो में।